पहले कि सर हम लोगों के ऊपर जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं सारे के सारे निराधार हैं और हमारे ऊपर हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे थे दो अस्थायी प्रोफेसरों को बर्खास्त कराने के लिए। एक कमेटी की गठन की गई जो कमेटी का ये काम था कि आपको जांच करके बताना है कि प्रोफेसरों का निष्कासन कितने दिनों में करेंगे। वो कमेटी प्रोफेसरों की निष्कासन ना करके बल्कि यहाँ के छात्रों को निष्कासन कर दी और इनके ऊपर झूठी मुकदमा भी दर्ज करा दी। जी करनी चाहिए थी वो कार्रवाई तो उन्होंने की नहीं। वो जो विद्यार्थी शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे उनके प्रति पहले तो FIR दर्ज कराई, हमें रात को यहाँ से उठाकर ले गई पुलिस 20 किलोमीटर दूर थाने ले गई। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से 23 छात्रों को निकाले जाने का मामला अब कहीं न कहीं राजनीतिक हो गया है क्योंकि BJP इस पूरे मामले में अब कूद गई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों के निष्कासन को गलत बताया है और उनके निष्कासन को वापस लेने की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व छात्रों ने भी कुलपति से मिलकर छात्रों के निष्कासन को वापस लेने की मांग की है और उनसे कहा है कि छात्र चाहे तो माफी मांग करके अपने निष्कासन को वापस लेने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल।